जैसा कि नॉमिनेशन कंप्लीट कर अभी डोर टू डोर जैसे कि नकड़ियागंज नगर परिषद के तमाम क्रांति जी भी देवी जी हैं जो कि खुद कैंडिडेट हैं, उनके बेटे हैं। ओवरऑल आप बताएं सर, क्या लगता है, आप लोग डोर टू डोर कंप्लेन कर रहे हैं, क्या मुद्दा है जो आपके वार्ड में नहीं हो पाया जो आप करना चाहते हैं? पहला मुद्दा तो ये है कि रोड नाला पक्कीकरण जो नहीं हुआ है उसको हम लोग कराने के काम करेंगे। और जो भी माता बहन है जो बूढ़े मेरे दादी के उम्र के हैं, माता के उम्र के, उनको पेंशन जो नहीं अभी तक सरकार के लाभ से वंचित है उसको हम लोग दिलवाने के काम करेंगे। और जो प्रधानमंत्री आवास का जो योजना का काम चल रहा है, मकान बनाने का काम चल रहा है मंडलकरण का, उसमें जो घूस खरोट जो किया जा रहा है उसको रोकने के सबसे पहले काम करेंगे। हमारे कार्यकाल में एक रुपया कोई चीज़ में नहीं लगेगा। सेवा का मौका अगर हमको एक नंबर वार्ड की जनता दे रही है तो हमारे कार्यकाल में एक रुपया का कोई घूस नहीं लगेगा और 5 साल दिल से है, दिल से अपना। ओके, अच्छा दादी जी इधर आई, अपने के हैं? नाती है। तो अपने का आशीर्वाद देनी हो? काजी का आशीर्वाद जीता के जीता लोग के दया करो बाबू का कोई भगवान। अच्छा कैसन का लड़का है? चाचा जी आपके लड़के हैं, आप प्रचार कर अभी कैंडिडेट हैं, तो मैंने आप काम करे के चाहते हो सब के सेवा में लागे के चाहता नहीं, सबका दुआरी हम घूमे मैं इक्वल जाए तो हम सबका दुआरी घूमे, सब करे के हम देखभाल करे, सब करे चरण में हमरा रहे के बा, सब करे के हमरा देखभाल करे के बा। अच्छा एक बाद हमरा मने जौन लौकी तौन हम करम दुआरी दुआरी घूमम सेवा में लागल रह। अच्छा लोग से का कह चाहता रुकी वोट मांग का कह वोट मांगो तनी जे मने हमरा के निकाल दिलो, एक बाद हम सेवा में लागे दुआरी दुआरी घूमन सबका से भेंट करम सबका से मिले। ओके देखिए आपके जैसे आप प्रचार कर रहे हैं, आपके घर वाले आपके आपके आस पड़ोस वाले हैं, बहुत बुजुर्ग और महिलाओं का आपका सपोर्ट मिल रहा है, ये हमारा सेवा है, इसी के लिए हमारे साथ ही लोग जुड़े हैं। हम नेता नहीं थे, वार्ड में लड़ने के लिए इच्छुक नहीं थे, उस वक्त से हम कोरोना काल से ही लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। हमारे रहते हुए किसी के भी दुख बीमारी में हम पीछे नहीं हटते हैं, जहाँ तक हमसे बनता है उसमें हम सहयोग करते हैं। हाँ करें नहीं तो जिताओ के चाहता लेंगे। हाँ जीत जाए तो सब लोग गरीब गुरबा खातिर खोजता लगे। तो देखिए ये बुजुर्ग महिलाएं हैं जो कि एक तरह से नौजवान कैंडिडेट्स हैं, उनके माँ जी हैं और ओवरऑल प्रचार में निकली हैं। जैसे मैं मुझे मिल गए तो उनसे मैंने पूछा कि उनके वार्ड में क्या परेशानी है, क्या प्रचार इनका हो रहा है। बहरहाल आप जामिया बोल देते हैं साथ में पब्लिक न्यूज़।